Dear students, welcome to my YouTube channel, Chemistry with Dr. Gulzar Muhammad. हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है MD CAT के स्टूडेंट्स के लिए कि MD CAT की प्रेपरेशन कैसे करनी है, उसका पेपर पैटर्न, उसके मार्क्स की डिवीजन क्या है, और फिर हम देखेंगे 2019 का पेपर और उसमें देखेंगे कि किस टॉपिक में से कितने कितने MCQs आए हैं, और फिर लास्ट में MD CAT 2009 का जो पेपर है उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले एंटी टेस्ट क्या है? एंटी टेस्ट का सबसे बड़ा मसला उसके क्वेश्चन नहीं है, एंटी टेस्ट का बड़ा मसला है हमारे स्टूडेंट का फेमिलियर होना विद द स्टाइल। हमारे स्टूडेंट चूंकि MCQs बहुत कम किए होते हैं FSC में और यहाँ टोटल MCQ बेस्ड है, तो उसके स्टाइल से फेमिलियर होना और फिर क्वेश्चंस की अप्रोच है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, और फिर पेस है, फिर स्पीड है। अक्सर स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते पेपर में और उनका पेपर रह जाता है। तो एक्चुअली एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है, रेदर देन द क्वेश्चन देमसेल्फ, ये मसला नहीं है क्वेश्चंस, मसला है कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती और हम फेमिलियर नहीं होते एंट्री टेस्ट के स्टाइल से। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट की प्रेपरेशन के लिए आपके पास सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए, UHS का सिलेबस डाउनलोड कर लें, उसके मुताबिक पढ़ें। जितना आपने FSC का सिलेबस पढ़ा है वो बहुत ज्यादा है, MD CAT का सिलेबस इससे कम है, थोड़ा है। MD CAT में FSC की बहुत चीजें नहीं हैं, तो आपने वही टॉपिक करने हैं जो आपके सिलेबस में है, FSC सारी तैयार नहीं कर लेनी। फिर टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में से वही टॉपिक्स पढ़ें जो सिलेबस के हैं, बाकी आप पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हेल्पिंग बुक्स, ये बड़ा मसला है मार्केट में, हजारों तरह की हेल्पिंग बुक्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, एक पूरी वीडियो बनाऊंगा बुक्स के कंपैरिजन पे, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। फिर पास्ट पेपर्स, ये भी मैं आपको 2008 से लेकर 2019 तक के पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर क्वालिटी पेपर्स, आपने जहां पे भी प्रेपरेशन करनी है वहां का मटेरियल क्वालिटी होना चाहिए, वो पेपर क्वालिटी होनी चाहिए उनकी, उसमें डिफिकल्टी लेवल वही होना चाहिए जो UHS का होता है। ये ना हो कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आपको हमने केमिस्ट नहीं बनाना, आपकी प्रेपरेशन करवा के आपका जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन करवाना है। और फिर प्रैक्टिस है, जितनी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, MCQs की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के स्मार्ट ट्रिक्स मौजूद होने चाहिए, यानी कई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, तो आपके पास ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए कि आप सेकंड्स में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें। आजकल मैं ट्रिक्स शेयर भी करवा रहा हूँ कुछ एंटी टेस्ट के, आपने देखते रहना है YouTube मेरे चैनल पे, मैंने बॉन्ड इसके ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडाइजेशन के डाइपोल मोमेंट प्लेरिटी ऑक्टेट रूल ये सारे ट्रिक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म बॉन्ड ऑर्डर ये सारे ट्रिक्स मैं शेयर करवा चुका हूँ। इंशाल्लाह केमिकल बॉन्डिंग के ट्रिक्स खत्म होगा तो फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के ट्रिक्स भी बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, मार्क्स सब्जेक्ट बायोलॉजी 80 MCQs होते हैं, केमिस्ट्री के 60 MCQs, फिजिक्स के 40 और इंग्लिश के 20 MCQs, टोटल 200 MCQs होते हैं आपके पेपर में। और ये जो 200 MCQs हैं पेपर में, ये 200 मार्क्स के हैं, इसका मतलब है एक MCQ एक नंबर का है, और आपके पास 150 मिनट्स होते हैं, यानी आपने ये पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। और फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे आपके लिए खुशाइंद बात है कि आपके जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते वो आप हिट एंड ट्रायल बेस पे तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर
इसके लिए आपके एफएससी में 70% मार्क्स होने चाहिए। एमडी कैट में अगर आपने अप्लाई करना है तो 70% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। और फिर एंट्री टेस्ट में आपने 200 में से 120 नंबर लेने हैं, फिर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। 120 मार्क्स 200 में से होने चाहिए। और लास्ट में मेरिट क्राइटेरिया क्या है, 50% एफएससी और 50% एंट्री टेस्ट है। तो आपके एफएससी के 50% मार्क्स काउंट होंगे और 50% ही एंट्री टेस्ट। तो एंट्री टेस्ट की देखें काफी ज्यादा वेटेज है, टाइम बहुत थोड़ा होता है, वेटेज बहुत ज्यादा है। एफएससी आपने 2 साल में की, उसकी वेटेज 50%। एंट्री टेस्ट आपने 2 महीने में करना है, वेटेज 50%। तो आपने इसकी अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। डियर स्टूडेंट्स, 2019 का पेपर, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको डिवीजन दिखा देता हूँ, किसमें टॉपिक में से कितने कितने एमसीक्यूज आए हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैं लास्ट में की प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपसे कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं इंशाल्लाह उसके लिए आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि ये एमसीक्यूज इस तरह से सॉल्व होते हैं। सबसे पहला टॉपिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में चैप्टर नंबर 1 आता है और साथ चैप्टर 9 के यूनिट्स आते हैं। तो इसमें से 5 एमसीक्यूज आए हैं 2019 के पेपर में। पहला, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन दिया गया है, आपने परसेंटेज निकालनी है। ये फर्स्ट ईयर का जो हमारी बुक का पहला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि इसकी परसेंटेज निकालनी है। बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस व्हिच लॉ इज ओबेड, हमारी बुक में 2 लॉज का जिक्र है तो उनमें से यहाँ 1 लॉ दिया गया है, आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा है आंसर। 3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोल निकालने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, 1.75 किलोग्राम। तो मास को पहले ग्राम में बदलें और फिर मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएंगे। इसी तरह एक और मोल का क्वेश्चन आया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 किलोग्राम आइस, आइस का 1 किलोग्राम वेट है, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलें और फिर वाटर के मोलर मास से डिवाइड कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। इस टॉपिक में से 5वां क्वेश्चन है मोलैरिटी में से, कि सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, आपने मोलैरिटी फाइंड कर लेनी है। ये सिंपल मोलैरिटी का फार्मूला लगना है और आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में से 3 एमसीक्यूज आए थे 2019 में। पहला, एन इंटरमोलिकुलर फोर्स इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन अदर फोर्सेस, इट स्टेबलाइजेस अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स ऑफ प्रोटीन्स, यहीं से पता चल जाता है। और इसी तरह साथ ही उसने एक और हिंट दिया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में भी यही होती है, तो फोर्स जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो आपने पहचान लेनी है कौन सी है। 7, विच कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हैं, कौन सा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए क्या जरूरी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन से अटैच हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर में से इलास्टिक कोलिजंस का है, या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं व्हाट आर इलास्टिक कोलिजंस, कि जो इलास्टिक कोलिजंस होती हैं उनमें क्या चीज ऐसी है जो चेंज नहीं होती है, तो ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 5वां चैप्टर है हमारी बुक का, उसमें से 2 एमसीक्यूज आए हुए हैं, कौन कौन से, विच आर आइसोटॉप्स, एक तो आपने पहचानना है आइसोटॉप्स कौन से हैं। ये आइसोटॉप्स का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में है एंटी टेस्ट के सिलेबस में। आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आपने कई फैक्टर पढ़े हुए हैं क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में से 4 एमसीक्यूज आए हैं। पहले वाला नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है, बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आपने याद रखना है कुछ रूल्स जो अप्लाई होते हैं वो। 12, विच सेट्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस नॉन प्लेनर, इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री sp3 होती है, नॉन हाइब्रिडाइजेशन,
तो इसका मतलब है आपने इसमें से देख लेना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सब में से किसकी है, वो नॉन प्लेनर होंगे, सारे के सारे टेट्राहेड्रल होने चाहिए। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ट्राइफ्लोराइड, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बिल्कुल अमोनिया की तरह का सिस्टम लगता है, NH3 जैसा, यानी एक लोन पेयर और तीन बॉन्डेड एटम है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं जस्ट लाइक अमोनिया। चौथा क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, sp3 में चार बॉन्डेड एटम लगे होते हैं, तो ये चार ऐसे क्वेश्चन हैं जो बॉन्डिंग में से आए हुए थे। अब है केमिकल एनर्जेटिक्स, इसको हमारी बुक में थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें से तीन MCQs आए थे। पहला, विच इक्वेशन शोज द सेम ट्वाइस द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एज द फॉलोइंग। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है NaOH+HCl, इसमें से हीट निकल रही है, उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपने बताना है कि नीचे दिए गए चार रिएक्शन में से किस में से इससे डबल हीट इवॉल्व होती है। साफ जाहिर है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल वाटर के लिए होती है, तो आपने चेक कर लेना है 2 मोल वाटर किस में बन रहे हैं। 16, विच इज रेलिवेंट टू दिस एंथैल्पी चेंज, सोडियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में चेंज हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सॉलिड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, ये आपको पता है, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सारी खत्म हो जाती हैं, एटम बन जाते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 17, द गिवन डायग्राम शोज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप इसमें गौर से देखें, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की कम हो, तो रिएक्शन कौन सा होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 MCQs आए हुए थे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फेरेड फ्रॉम द इट्स, कि ये आप कहां से निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तलक किस चीज से होता है, तो आपको कैसे पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम की 2 है, तो आपको कैसे पता चल गया ये 2 है, तो ये इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन, कीपिंग इन व्यू द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, विच इज फिजिबल रिएक्शन, आपने इन चार में से बताना है सही रिएक्शन कौन सा है। याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को निकाल देता है, यानी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। बस ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, के वैल्यूज दी हुई है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है, इसमें से 3 क्वेश्चन आने हैं आए हुए हैं। के ए वैल्यूज, जितनी के ए की वैल्यूज ज्यादा होती है उतना ही एसिड स्ट्रांग होता है, तो के ए की वैल्यूज 4 दी हुई हैं, आपने देख लेना है, जिसकी सबसे ज्यादा है वो सबसे स्ट्रांग एसिड है और जिसकी कम है वो वीक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 2, पीएच निकालनी है 10^-2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो आपने इसमें पहले पीओएच निकाल लेनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ओएच देता है, और फिर पीएच प्लस पीओएच वाले फार्मूले से आप इसकी पीएच भी निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम में से फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2SO2+O2 2SO3, वो कहता है दिस इज एक्सोथर्मिंग एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट, वो कहता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन वापस आ जाता है, जब रिएक्शन बैक आता है तो क्या चेंजेस आती है, वो आपने MCQs के ऑप्शन में से देख लेनी है। रिएक्शन कनेटिक्स फर्स्ट ईयर का ये लास्ट टॉपिक है, 3 MCQs, कौन कौन से, What is the measure of activation energy in endothermic reaction? आपने endothermic में reaction में बताना है कि fast जो reverse और forward reaction है उनकी activation energies का आपस में relation क्या है? वो energy of activation का relation बराबर है, कौन सी forward वाली ज्यादा है, reverse वाली ज्यादा है, ये आपने MCQ में देखना है। Question number 24, If the energy of activation of chemical reaction is very low, अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत थोड़ी हो तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, वजह क्या है रिएक्शन के रेट की इतने ज्यादा होने की, तो वो आपने यहां से ढूंढ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 25, ये डिकम्पोजिशन दी हुई है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 2 स्टेप हैं, आपको पता है जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, तो आपने स्लो स्टेप में आने वाले मॉलिक्यूल से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से आपने रेट इक्वेशन निकाल लेनी है। नीचे 4 दी हुई है, आप देख लेंगे स्लो स्टेप में कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26, ये सेकंड ईयर स्टार्ट हो गई है, ये क्वेश्चन पीरियड में से है और एक दफा फिर इसका तल्लक आयोनाइजेशन एनर्जी से है।
क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम क्यों होती है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के डियर स्टूडेंट्स एबनॉर्मल ट्रेंड में से है, तो ये भी आपने देख लेना है कि ऑक्सीजन की कम हो जाती है, नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा हो जाती है। 27 मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस बेस पे अरेंज किया है? मॉडर्न पीरियडिक टेबल मोजले ने अरेंज किया था, किस बेस पे किया था, ये आप बहुत ज्यादा फेमिलियर है इससे, ये दो क्वेश्चन पीरियड्स में से आए हुए हैं। ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन हैलोजन? कौन सा है जो हैलोजन, हैलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन है, तो आप देख लें इनमें से कौन सा नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वर मिक्स्ड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। डियर स्टूडेंट देखें, आयोडीन NaOH से मिला NaIO3 NaI+ वाटर, ये आपने क्लोरीन के साथ चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर के, क्लोरीन NaCl और NaCl3 बनता था, ये बड़ा ही मशहूर रिएक्शन है एक। इसमें देखें आयोडीन यहाँ 0 है, यहाँ +5 और यहाँ -1 आ गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 30, ये ट्रांजिशन मेटल में से है, वो कहता है ये चार नीचे स्टेट्स दी हुई हैं, इन विच स्टेट कॉपर है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। आपने बताना है कि किस में कॉपर का जो डी सबशेल है वो पार्शली फिल्ड होगा, वो वाली कॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से दूसरा MCQ है कि इसमें क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है नॉर्मल होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में चले जाता है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है इसमें से आंसर कौन सा है। ऑर्गेनिक स्टार इसमें लास्ट है, इनऑर्गेनिक का टॉपिक, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसमें से भी दो आए हुए हैं MCQs। पहला, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू विच सब्सटेंस एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ वाटर इज एडेड। आप किस में बहुत ज्यादा वाटर डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ये तो आपको पता है कम अज कम कि हम SO3 में वाटर नहीं डालते क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो जिस सब्सटेंस में वाटर डालते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा MCQs यहां से, फ्री नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। वो कहता है दोनों हवा में मौजूद हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करती, क्यों नहीं करती ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन, उसकी वजह बतानी है आपने। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है, चैप्टर नंबर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसमें से 3 MCQs आए लास्ट ईयर में, विच विल शो सिस ट्रांस आइसोमर्स। आपने पहचान लेना है सिस ट्रांस आइसोमर्स के लिए दो कंडीशंस होती हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा इसके साथ डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पे मैं एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव टॉपिक भी यूट्यूब पे शेयर करवा चुका हूँ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, ये दो आइसोमर बने हुए हैं, आपने पहचानने हैं कौन से हैं। देखें कंडीशन पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड भी है, डिफरेंट ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो ये आप आराम से पहचान लेंगे। तो देखें जरा, दो क्वेश्चन सिर्फ सिस ट्रांस में से ही आ गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें बताएं फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो आपने इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप पहचान लेने हैं कितने हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये आप ढूंढ लेंगे। ये 3 MCQs इसमें से आए हैं। हाइड्रोकार्बन यानी 8वां और 9वां चैप्टर, दोनों हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक, 4 MCQs। कौन कौन से? अल्कीन्स अंडरगो, अल्कीन और अल्काइन के रिएक्शंस का आपको पता है कौन से होते हैं, तो ये अल्कीन्स कौन से रिएक्शन अंडरगो करती हैं यहाँ से देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एडिशन ऑफ वाटर वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में, पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं फिर वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, पहले हाइड्रोजन बाइसल्फेट लगेगा और फिर वाटर उसको निकाल देगा। तीसरा MCQs, विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, के अल्कोहल किससे बनती है, ये भी चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है अल्कोहल की प्रेपरेशन का कमर्शियल तरीका। 40, वे शोज मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद रखना है बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। आप ये जो 39 वाला क्वेश्चन है इसको अल्कोहल में भी कंसिडर कर सकते हैं, ये चैप्टर 8 में भी मौजूद है, ये अल्कोहल्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये अल्कोहल की प्रेपरेशन के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन चैप्टर 8 में दिया हुआ है। तो यहाँ नीचे वाले में देखें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, ये आप देख सकते हैं। अल्काइल हैलाइड में से दो MCQs, पहला
ये प्रोपाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH डालने से C बना, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के वाटर के साथ बॉयल किया तो D बना। तो पहले अल्कोहलिक KOH डालें, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालें, फिर वाटर के साथ बॉयल करें, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन बाइसल्फेट ऐड होगा और एंड पे सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा जब वाटर के साथ बॉयल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1-chlorobutane। 1-chlorobutane क्लोरो 1 पे लगा हुआ है और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, तो आपने बताना है प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अल्कोहल्स फिनोल्स एक क्वेश्चन है, आप दो क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि जो चैप्टर 8 में मैंने क्वेश्चन बताया वो दोनों तरफ फिट हो सकता है। सिलेक्ट द रीजेंट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। ये देखें, ये अल्कोहल है, अल्कोहल कौन सी है? सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि OH किस कार्बन से लगा हुआ है? CH से, जो कि दो कार्बन से अटैच है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन। ये कीटोन बन गया। अब आपने बताना है ऑक्सीडेशन कौन करता है, रीजेंट कौन सा यूज होता है, वो यहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे। 44, कीटोन्स कैन बी मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कीटोन किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है? एल्डिहाइड कीटोन में से, डियर स्टूडेंट, 5 MCQs आए हुए हैं। 45, विच रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड। आपने यहाँ बताना है एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन कौन से होते हैं, ये स्पेशल कैटेगरी कौन सी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कौन से रिएक्शन है? एल्डिहाइड कीटोन में से एक और क्वेश्चन, कौन है जो टॉलन टेस्ट देगा? ये बड़ा मशहूर टेस्ट है टॉलन टेस्ट, जिसमें सिल्वर मिरर बनता है। और 47 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्रेट। ऊपर पूछा हुआ है कि कीटोन किसकी अल्कोहल से, किस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं, और यहाँ पूछा हुआ है कौन है जो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का रीमिक्स है, ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन फिर टॉलन टेस्ट से है, वो कहता है कि टॉलन रीजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। आप बताएं कौन सा फंक्शनल ग्रुप टॉलन टेस्ट देता है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप देता है आप देख सकते हैं। और पहचान क्या होती है, क्या सिल्वर मिरर बनता है, ग्रे प्रेसिपिटेशन है, ये रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये आप देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 MCQs आए हुए हैं। नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में बदलना हो तो HI और फॉस्फोरस यूज करते हैं। अल्कोहल्स के लिए आप देख सकते हैं कौन सा यूज करेंगे, साफ सारे ऑक्सीजन वाले तो यूज नहीं करेंगे, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें अल्कोहल में बदलना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। 50, अल्काइल नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करें तो कौन सी क्लास आती है? मिनरल एसिड से करना है तो अल्काइल नाइट्राइल, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन में रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच शोज द फॉर्मेशन ऑफ एथानोआइल क्लोराइड। एथानोआइल से पता चल जाता है दो कार्बन होंगे, तो आप देख लें किसमें दो कार्बन है रिएक्टेंट में, वही वाला आंसर होगा, सिंपल। 52, विच इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ असाइल क्लोराइड फ्रॉम द एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड से कौन सा रिएजेंट डालें कि उसमें क्लोरीन लग जाए, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन बार बार बुक में आया हुआ है। अमाइनो एसिड में से 2 MCQs आए हुए हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सा बांड बनता है, पेप्टाइड है, आयनिक है, मेटालिक है, डाइसल्फाइड है, तो ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। 54, अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं। वो कहता है 3 अमाइनो एसिड है, एलानिन, ग्लाइसिन और लाइसिन। देर इज नो रेपिटेशन ऑफ अमाइनो एसिड इन ट्राइपेप्टाइड। आप बताएं अमाइनो एसिड इसमें कितने पॉसिबल हैं? 3 अमाइनो एसिड है, ये स्टूडेंट जितने अमाइनो एसिड हूं उनका फैक्टोरियल ले लेना होता है, तो 3 का फैक्टोरियल ले लें, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। मैक्रोमॉलिक्यूल, 3 MCQs आए हुए हैं। पहला, विच इज एडिशन पॉलीमर, कौन सा एडिशन पॉलीमर है जिसके मोनोमर में कार्बन कार्बन डबल बांड होगा, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है कि कौन सा इनमें से जो पॉलीस्टायरीन है क्या वो कौन सा पॉलीमर है, तो सेम दोनों का आंसर बनना है, ये एक ही क्वेश्चन है। 57, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डबल हेलिक्स। आपने बताना है डबल हेलिक्स में कौन सी फोर्सेज हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले उसने प्रोटीन और DNA दोनों का रेफरेंस देके चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर में पूछा, आप दोबारा पूछ लिया, यानी एक ही क्वेश्चन दो दफा आया हुआ था। 58, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में,
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपने बताना है कौन है जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। तो आपने इन स्पीशीज में से देख लेना है कौन सी स्पीशीज हैं जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करती हैं। देखें यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सीएफसीज, और फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीएफसीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सीएफसीज स्टैंड्स फॉर, आपने बताना है सीएफसी का मतलब क्या है। ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया भी हुआ है ब्रैकेट में, तो ये भी क्वेश्चन सेम आए हुए थे यूएचएस में। तीसरा क्वेश्चन भी सेम था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये तीनों के तीनों क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्वेश्चन दिए हुए थे यूएचएस के पेपर में। डियर स्टूडेंट्स, ये 60 MCQs आपने खुद सॉल्व करने हैं। जब ये आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर की लास्ट में मैंने दी हुई है ये वाली आंसर की, आप देखें अपने क्वेश्चंस को आप मैच करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, कमेंट करें, तो मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।